नमस्कार। आज की चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वो चर्चा है कि 17वीं बीपीएससी और 2024 यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करें। आप सबको पता है कि यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को फिक्स है। इस बार परीक्षा दो दिनों में होगी, यानी दो दिनों का मतलब है अलग अलग पेपर बनेंगे। एक पेपर हो सकता है थोड़ा टफ हो, दूसरा पेपर थोड़ा आसान हो, या दोनों एक जैसे हो। अगर पेपर एक जैसे हुए तो उसमें स्केलिंग का प्रोसेस का कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर पेपर एक जैसे नहीं हुए तो स्केलिंग हो सकता है। बहरहाल आपका मुद्दा स्केलिंग नहीं है, आपका मुद्दा है प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्वालिफाई करें। आज 18 तारीख हो चुकी है और अब आपके पास समय कितना है, लगभग 1 महीना 9 दिन, यानी लगभग 35 दिन मान के चलते हैं। इन 35 दिनों में क्या किया जाए, आपके लिए मैं आने वाले मंडे से, आप देख लीजिएगा डेट क्या है मंडे का, आज 18 तारीख है और दिन है बुधवार, तो आने वाले मंडे से मैं रेगुलर एक टेस्ट पेपर शुरू करूंगा। अमूमन ये कोई नया टेस्ट पेपर नहीं है, नया टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट पेपर नए होंगे, टेस्ट सीरीज पुराना है, योद्धा टेस्ट सीरीज जो मेरे मेंटोरशिप में ऑलरेडी चल रहा था, ये उसी का नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि अब तक आपकी पढ़ाई थोड़ी ढीली थी, थोड़ी लचर थी, पढ़ रहे थे ऐसे ही मन मर्जी से, अब क्या करना है आपको कि आपको रेगुलर सुबह सुबह एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को ईमानदारी से 2 घंटे या उससे कम समय में सॉल्व कर लीजिए। परीक्षा के माहौल में सॉल्व कीजिएगा बिना रुके, बिना किसी चीजों की बाधा के, और उसके बाद उसका कीजिएगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करना आपको मैंने सिखाया है। पोस्टमार्टम में यह देखना है कि सवाल गलत कहां से हो रहा है, किस तरह के सवाल गलत हो रहे हैं, तो अब उस दिन उस तरह के सवालों पर काम कीजिएगा। ये देखो सीधी सी बात है यार कि असफलता एक बीमारी है और टेस्ट सीरीज इस बीमारी का डायग्नोसिस है। आजकल समस्या यह है कि अगर बीमारी का ज्ञान हो जाए तो इलाज संभव है, और बीमारी का ज्ञान सही समय पर हो जाए तो इलाज संभव है। प्रीलिम्स वाले दिन आपको बीमारी मालूम चलेगी तो इलाज नहीं है। 1 महीना पहले बीपीएससी का 17 नवंबर को है, 2 महीना पहले अगर आपको मालूम चलेगा तो उसका इलाज संभव है। तो आपके बॉडी को स्कैन करने के लिए आपके अंदर कितना प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कैपेबिलिटी है, इस बात को जानने के लिए लगातार एक टेस्ट। कब तक? तो यूपी पीसीएस वालों का उनकी परीक्षा से 2 दिन पहले तक, और बिहार पीसीएस वालों का उनकी परीक्षा से 2 दिन पहले तक, ठीक है। 17 नवंबर और 26 और 27 अक्टूबर 26-27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस और 17 नवंबर को बिहार पीसीएस। अब जब आपकी कमियां मालूम चल जाएंगी तो उसमें सुधार संभव है, और लगातार सुधार संभव है। दूसरा एक और उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि अगर आपने ठीक से रिवीजन नहीं किया है, अब तक आप ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, तो आपको इतने क्वेश्चन करा दिए जाएं कि अमूमन उसके भीतर से ही सवाल आपको मिल जाए परीक्षा में, या उस तरह के सवाल आपको परीक्षा में मिल जाए तो डिटेल आंसर के साथ आपको यह मिलेगा रेगुलरली। दूसरा एक कुछ सलाह उन बच्चों के लिए जो जॉब में है, जॉब वाले बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो छुट्टी ले लीजिए 15 दिन 20 दिन 25 दिन की, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो अपने ऑफिस का जो लंच टाइम है, जो टी ब्रेक है ना, जहां आप गॉसिप्स करते हैं, जहां आप ऑफिस गॉसिप से लेकर के पॉलिटिक्स और क्रिकेट की चर्चा करते हैं, इसको बंद करके कुछ कुछ चीजें अपने मोबाइल में पढ़ना शुरू कीजिए, टेस्ट पेपर को मोबाइल में सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको बिल्कुल अनप्रोडक्टिव कामों में मत लगाइए। अब थोड़ा सा घूमना फिरना बंद कीजिए, थोड़ा सा रील्स देखना बंद कीजिए, सोशल मीडिया को 2 महीने के लिए त्याग दीजिए। आप यकीन मानिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 70 टेस्ट कराने का जो मेरा वादा था, जिसमें से 23 टेस्ट हो चुके हैं, और अब 24 से लेकर के बाकी सारे टेस्ट लगातार होंगे, जिसमें यूपी पीसीएस के लिए सीसैट का टेस्ट भी शामिल है और जीएस का टेस्ट भी शामिल है। बिहार वालों के यहाँ पूरा जीएस होगा, तो पहले उनको जीएस कराएंगे, बाद में उनका बिहार स्पेशल कराएंगे। यूपी पीसीएस बीत जाने के बाद पूरा फोकस कराएंगे उनके बिहार स्पेशल पे। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे मेरे मेंटोरशिप में हैं वो तो इस टेस्ट का लाभ लेंगे, जो अब तक नहीं हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई देगा, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लगातार पढ़िए, और एक बात और, अभी भी समय है। अगर अभी से आप रोज 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे तो पीटी हर हाल में आप 1.5-2 महीने में कर लेंगे। 35-40 दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, बड़े आराम से आप यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर लेंगे। बिहार के लिए 2 महीना है, और इस बार और ध्यान दीजिएगा, अभी फॉर्म नहीं आया है, 2 से 3 दिन में फॉर्म आ जाएगा, तो यूपी वाले बच्चे भी बिहार भर सकते हैं। बिहार वाले बुरा मत मानिएगा,
लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है और क्षेत्रवाद की भावना न पनपे, इसलिए यूपी वाले भी फॉर्म भरेंगे बिहार का। वहां पर अगर आप यूपी में किसी कैटेगरी में है तो बिहार में जाकर आप सिर्फ जनरल में हो जाएंगे, यही आपको एक नुकसान होगा। फॉर्म भरिए, 1700 सीटें हैं, पहली बार किसी पीसीएस में इतनी ज्यादा सीटें आई हैं। अगर इस बार नहीं हुआ बिहार वालों पीटी, तो फिर भूल जाना कि पीटी होगा, फिर सपना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पिछले 15-16 सालों से मेरा इन कमीशन से रिश्ता है, इन 15-16 सालों में आज तक 1700 वैकेंसी कभी नहीं आई, इससे ज्यादा बंपर वैकेंसी नियर भविष्य में मुश्किल है, आएगी थोड़ी कम आएगी, 800-900 तो आती रहेगी। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और उठो जागो, और तब तक मत रुको जब तक पीटी का एग्जाम ना हो जाए। आपको ढेर सारी सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।